रेस्टोरेंट में इट्स अ एशियन कुजीन बट दे आर स्पेशलिस्ट इन कोरियन फूड तो लेट्स गो इनसाइड एंड विल लेट यू नो हाउ इज द फूड बिकॉज कोरियन इज वन ऑफ आवर फेवरेट कैन फेवरेट कुजीन तो लेट्स गो इनसाइड नाउ वी आर इनसाइड द रेस्टोरेंट इट्स अ गैंगनम रेस्टोरेंट इट्स अ एशियन कुजीन Here you will find a Korean, Chinese, Tibetan, Southeastern Asian cuisine. So, हम देखते हैं हमने क्या क्या ऑर्डर किया विल लेट यू नो और ये कुछ सैलड्स हैं दिस इज किमची इज वेरी फेमस दिस येलो रेडिश एंड दिस इज सीवी सो लेट मी ट्राई दिस एंड आई विल गिव यू द हाउ इज द टेस्ट और अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके मेन्यू में क्या क्या है देख सकते हैं दे हैव सूप चिकन सूप हॉट एंड सार सूप मैंचॉन सूप दे हैव एपेटाइजर डायनामाइक श्रिम वी ऑलरेडी ऑर्डर दिस डायनामाइक श्रिम एंड वी ऑर्डर दिस चिकन मोमोज दे हैव सो मेनी डिम्पलिंग्स देन दे हैव अ फ्राइड राइस दे हैव अ स्टर फ्राइड नूडल्स इवन दे हैव सम बीफ वेराइटीज ऑल्सो देन सम चिकन सी फूड एंड वेजिटेरियन ऑल्सो इफ यू आर वेजिटेरियन इट्स ओके यू कैन कम एंड एन्जॉय द फूड इन गैंगटांग बिकॉज दे हैव अ वेज ऑप्शन ऑल्सो सूप आ गया है देखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है आप देख सकते हैं ये फ्राइड नूडल्स के साथ उन्होंने गार्निश किया है विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड इट्स चिकन मंचाओ सूप तो लेट मी ट्राई विद क्रिस्पी नूडल्स इट्स हॉट Taste is so authentic. The flavor, the spices, everything is so perfect. So let me take my another. I really like the soup. You can have this noodle. This is spicy noodle. Yeah, it's good and overall soup is amazing. Wow. What are momos? हम लोगों ने चिकन मोमो ऑर्डर्स किए सो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ चिकन मोमोज और इसकी हॉट स्पाइसी चटनी और हल्की सी इस पर डालूँगा आप देख सकते हैं इसे क्लोज करते ठंडा ना हो जाए और आपको टेस्ट करके बताते हैं बिकॉज काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट है मोमोज़ के लिए तो हमने सोचा वाई डोंट मोमोज यहाँ पे ट्राई करके देखा जाए कि इनका टेस्ट कैसा है मोमोज का टेस्ट ज़बरदस्त है आउटर लेयर काफ़ी थिन है एंड चिकन की क्वांटिटी ज़बरदस्त है एंड चिकन के अंदर भी काफ़ी सारा स्पाइसेस दे रखा है तो उसे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है चटनी काफ़ी स्पाइसी है तो जिससे अगर आप मोमोज लवर है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और मोमोज ट्राई कर सकते हैं हमारी तरह नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट अ डायनामिक श्रिम्प्स डायनामिक श्रिम्प्स वैसे तो दिव्या के बहुत फेवरेट हैं पर इस बार ही मौका मिला है मुझे रिव्यू करने का सो मैं थोड़ा सा लेता हूँ काफ़ी देखिए व्हाट अ प्रॉपर कोटिंग आप देख सकते हैं क्या कोटिंग है सॉस की ज़बरदस्त और अब खा के देखते हैं इसका परफेक्ट काफ़ी क्रिस्पी है श्रिम्प और इसमें जो सॉस की कोटिंग है वो ज़बरदस्त आई हुई है तो खाने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप आते हैं तो यू कैन ट्राई एपेटाइटिस में आप डायनामिक श्रिम्प ले सकते हैं और अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ किमची काफ़ी देख सकते हैं दीज आर कैबेज और इसको रेड चिलीज और बाकी हर्ब्स के साथ मिक्स कर रखा है और ज़बरदस्त है ये खुशबू ज़बरदस्त है प्रॉपर फ्लेवर है कोरियन फूड अगर आप खाते हैं तो उसके साथ किमची तो बनती है और इसी के बगल में है हमारे पास येलो रेडिश और इसका भी फ्लेवर बड़ा अच्छा है
very nice. Last one is seaweed. Seaweed ko bhi main taste karke dekhunga. काफी अच्छा फ्लेवर है, ऐसा मैंने कभी अभी तक टेस्ट नहीं किया. क्वाइट डिफरेंट, काफ़ी विनेगर के अंदर सीवीट को डिप कर रखा है. इट्स अ नाइस फ्लेवर. और ये जो सारी तीनों चीज़ें हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री और आपके टेस्ट बर्ड्स को एनहांस करती हैं. इन सबके साथ आप खा सकते हैं. और मैंने ली है मेरी फेवरेट जिंजर बियर और अब मैं अपने ग्लास में डालता हूँ. और देखिए ये हमें पूरा मज़ा देने वाली है बियर का. So, cheers to all my viewers. और अब आपको आगे दिखाएंगे हम हमने मेन कोर्स में क्या ऑर्डर किया है. Now it's time to taste our special dish, which is a Korean bibimbap. Bibimbap is come with a lot of green vegetables. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पालक है, मशरूम्स है, कैबेज है और कैरेट है और चिकन है. और इसके ऊपर टॉपिंग कर रखी है हमें एग की. इसको खाने का तरीका क्या है, जैसे इन्होंने बताया बेसिकली इन सबको मिक्स करना है और नीचे हमें राइस दे रखे हैं. इट्स द वाइट राइस. इसको मिक्स करना है सही से, प्रॉपर तरीके से आप मिक्स करिए. और एक बार मिक्स करके हमें एक ये सॉस दे रखी है. दिस इज़ अ स्पेशल सॉस. इस सॉस के संग इसे मिक्स करके खाएंगे. सो दिस इज़ द डिश जो हमें बोली गई थी टेस्ट करने के लिए. इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे आते हैं, लोगों को काफ़ी पसंद है. सो इसको मैंने कोशिश करके सही से मिक्स करने की कोशिश की है. ठीक है, और अब मैं लेता हूँ थोड़ा सा इसका पोर्शन. कोशिश करता हूँ कि सब कुछ इसमें आ जाए. एंड और जैसे कि मैंने अब अपनी प्लेट में सर्व कर लिया है, इसमें सब कुछ आ चुका है. मशरूम्स है, चिकन है, एग है, राइस है. एंड वी विल मिक्स विद द स्पेशल सॉस. काफ़ी थिक सॉस है, देखिए हल्की सी लेंगे हम. इसे लेने के बाद इसे प्रॉपरली मिक्स किया जाएगा बिकॉज दिस विल गिव अस अ फ्लेवर. आप इसे देखिए आराम से मिक्स करके एंड देन वी विल ईट. काफ़ी अच्छा फ्लेवर है, रिफ्रेशिंग फ्लेवर है. वेजिटेबल का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है बिकॉज जो वेजिटेबल है वो ज़्यादा कुक नहीं कर रखी, स्टीम में कुक कर रखी है, जिससे वो उसका न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी है प्रॉपर मेंटेन हो रही है. चिकन का अच्छा फ्लेवर है, चिकन भी इसमें खाने को मिल रहा है. एंड जो मेन चीज़ है दैट इज़ अ सॉस, बिकॉज द सॉस जो एक साथ मिक्स होकर जो फ्लेवर बनाती है वो ज़बरदस्त है. तो बिबिंबा मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है एंड आई एम एन्जॉइंग इट. अगर आप आए तो आप भी यहाँ पर बिबिंबा को ऑर्डर कर सकते हैं और मेरे यहाँ इन्जॉय कर सकते हैं. और मैं थैंक्स करना चाहूँगा यहाँ के ओनर से जिन्होंने हमें परमिशन दी शूट करने के लिए. और अगर आप लोग ऑथेंटिक कोरियन फूड कुवैत में ढूंढ रहे हैं तो यही एक प्लेस है जहाँ पर आपको ऑथेंटिक कोरियन फूड मिलता है. एंड जो यहाँ के ओनर है वेरी हम्बल पर्सन, जो यहाँ का जो फूड है स्पेशली कोरियन फ्लेवर का वो बहुत ध्यान रखते हैं. एंड इवन जिस तरीके से हमें पता लगा कि वो उन्होंने स्पेशल शेफ़ रखे हुए हैं और वो खुद इन कोरियन कुजीन का ऑथेंटिक टेस्ट आए उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं. एंड दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन डिलीवरी. अगर आप लोग अपना खाना घर पे मंगाना चाहते हैं तो डिलीवरी से इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं. एंड वेरी सून ये लोग अपनी डिलीवरी भी स्टार्ट करने वाले हैं जिस पे आप लोग कॉल करके इनका फूड कहीं भी कुवैत में मंगा सकते हैं. प्राइस रिलेटेड सब लोगों को एक मिसकंसेप्शन रहती है कि कोरियन फूड काफ़ी एक्सपेंसिव, बट अगर आप यहाँ पर विजिट करते हैं तो आप एक अफोर्डेबल कोरियन फूड खा सकते हैं. एंड जो अंदर आप लोग पेंटिंग देखने वाले हैं वो सारी हैंडमेड है और वो यहाँ के ओनर ने बना रखी है. सो आप लोग ज़रूर यहाँ पर आए विज़िट करें. हमें तो यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा. सो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भी यहाँ का खाना अच्छा लगेगा. प्लीज़ गाइस आप यहाँ पर विज़िट करें और कमेंट में करके बताएं कि आप लोगों को यहाँ का खाना कैसा लगा.